ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जिसे अपनी पेशेंट से ही प्यार हो जाता है और उसके प्यार को पाने के लिए वो किस हद तक जाता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम द गुड डॉक्टर है, जो 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसने हाल ही में डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी और उसका इस हॉस्पिटल में पहला साल था। मार्टिन दिखने में काफी स्मार्ट था। मार्टिन के साथ एक टेरेसा नाम की नर्स भी काम करती थी जो मार्टिन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, इसलिए मार्टिन उससे बहुत चिढ़ता था। फिर थोड़ी देर बाद उस हॉस्पिटल में एक खूबसूरत लड़की एडमिट होती है जिसका नाम डाइन होता है। उसे किडनी में इन्फेक्शन की बीमारी होती है। मार्टिन उसे कहता है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो घर चला जाता है। फिर अगले दिन जब मार्टिन डाइन के पास जाता है तब वो देखता है कि उसके पास एक डायरी है जिसमें अपनी सारी बातें लिखती रहती है। इसके बाद मार्टिन उसे अच्छे से ट्रीटमेंट करता है और धीरे धीरे उसे पसंद भी करने लगता है। फिर एक दिन डाइन जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तब वो उससे झगड़ा करने लगती है। फिर डाइन मार्टिन से कहती है मुझे अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लेना चाहिए। इस पर मार्टिन उसे कहता है अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम उसे आज़ाद कर दो। अब यहाँ दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं लेकिन तभी वहाँ टेरेसा आती है और वो मार्टिन पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है जिससे मार्टिन को बहुत ही बुरा लगता है, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। अब शाम को मार्टिन डाइन से कहता है कि तुम अब ठीक हो गई हो और अगले दिन तुम घर जा सकती हो। तब डाइन उसे कहती है कि मैं टेरेसा से बात करूंगी कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और वो तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे। अगले दिन जब मार्टिन हॉस्पिटल में आता है तब वो देखता है डाइन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन तभी वहाँ डाइन के फादर आते हैं और वो मार्टिन को थैंक कहते हैं और वो कहते हैं कि तुमने डाइन का अच्छे से ख्याल रखा। इसके बाद वो मार्टिन को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। अब रात को मार्टिन अच्छे से तैयार होकर डाइन के घर जाता है जहाँ डाइन की पूरी फैमिली मार्टिन का वेलकम करती है। अब यहाँ मार्टिन को पता चलता है कि डाइन घर पर नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने गई है। जब सब डिनर कर रहे होते हैं तब डाइन की बहन वेली मार्टिन पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाती है। फिर कुछ देर बाद वेली के अपने भाई के साथ लड़ाई हो जाती है जिस वजह से उसकी ड्रेस पर सूप गिर जाता है जिसे चेंज करने वो अपने रूम में जाती है। अब डिनर के बाद मार्टिन जब यहाँ का बाथरूम यूज करने जाता है तब गलती से वेलरी के रूम में चला जाता है जिसमें अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। अब मार्टिन उसे सॉरी कहता है और फिर बाथरूम से चला जाता है। फिर यहाँ से निकलते समय मार्टिन डाइन के रूम में जाता है जहाँ से वो डाइन की एक फोटो चुरा कर। इसके बाद मार्टिन जब हॉस्पिटल में लंच कर रहा होता है तब उसे वेली का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें उस दिन एक प्रेजेंट देना भूल गई थी, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ सकती हूँ या फिर तुम मेरे घर आ सकते हो। इसके बाद मार्टिन रात को उसके घर जाता है और उसके बाथरूम को यूज करता है लेकिन इस बार वो डाइन की मेडिसिन को चेंज कर देता है ताकि वो ठीक ना हो और वापस से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अब मार्टिन अपना प्रेजेंट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन ने जैसे सोचा था वैसा ही होता है। अब डाइन फिर से बीमार हो जाती है, इसके कारण उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और मार्टिन फिर से उसका इलाज करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो वापस से जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन रात को मार्टिन डाइन की मेडिसिन चेंज कर देता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिता सके। अब मार्टिन उसकी मेडिसिन चेंज करने के अलावा उसकी सारी रिपोर्ट को भी बदल देता है। इस वजह से सारे डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतना ट्रीटमेंट देने के बावजूद डाइन ठीक क्यों नहीं हो रही। फिर एक दिन जब डाइन का बॉयफ्रेंड उसे मिलने हॉस्पिटल में आता है तब मार्टिन उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उसे कहता है कि अभी डाइन सो रही है इसलिए वो उससे नहीं मिल सकता। अब यह सुनकर रिच डाइन के लिए लाया हुए बलून मार्टिन को दे देता है और उसे कहता है ये बलून डाइन को दे देना, लेकिन रिच के जाने के बाद मार्टिन वो बलून फोड़कर एक डस्टबिन में डाल देता है। फिर डाइन जब ठीक नहीं हो रही थी तब उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है जो मार्टिन को हर 2 घंटे में डाइन को चेक करने को कहता है, लेकिन जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो डाइन का ऑपरेशन किया जाता है। फिर ऑपरेशन के बाद डाइन मार्टिन से कहती है कि तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तब मार्टिन उसे कहता है कि उसे अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। अब ये जानकर डाइन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी अब मार्टिन को पसंद करने लगी थी, लेकिन तभी डाइन बेहोश हो जाती है और मार्टिन उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और डाइन को किस करता है। फिर कुछ घंटों बाद जब मार्टिन रेस्ट कर रहा होता है
तभी उसे पता चलता है कि डायन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि डायन की सांसें चल नहीं रही है। इसलिए डॉक्टर उसे CPR दे रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और यहाँ मार्टिन को देखते हुए डायन की मौत हो जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में एक वर्कर जिमी को डायन की डायरी मिलती है। वो मार्टिन को बताता है कि तुम्हारे और डायन के बीच जो कुछ भी हुआ सब इसमें लिखा है। यहाँ जिमी मार्टिन को ब्लैकमेल करता है और उसे अपने लिए ड्रग्स की डिमांड करता है। अब मार्टिन को मजबूरी में जिमी के लिए ड्रग्स लाना पड़ता है। जब मार्टिन जिमी के लिए ड्रग्स लाता है तो जिमी उसको डायरी लौटाने से मना कर देता है और कई दिनों तक ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहता है। अब मार्टिन काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वो जिमी से छुटकारा पाने के लिए घर जाकर जहरीला ड्रग्स बनाता है और हॉस्पिटल आकर वो जिमी को दे देता है। जिमी वो ड्रग्स हॉस्पिटल में ही ले लेता है और थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। मार्टिन उसे एक कमरे में रोक कर रखता है और उसकी जेब से लॉकर की चाबी निकाल लेता है। फिर जिमी की मौत हो जाने के बाद मार्टिन लॉकर से वो डायरी निकाल लेता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन एक डिटेक्टिव मार्टिन के घर आता है जो जिमी की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो यहाँ मार्टिन से कुछ सवाल करता है, तब मार्टिन उसे कहता है कि उसे जिमी के बारे में कुछ नहीं पता। मार्टिन जब डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है तब उसकी नजर डायन की डायरी पर पड़ती है जो वहाँ नीचे ही पड़ी होती है। मार्टिन तुरंत उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो डायरी के सभी पन्नों को फाड़ने लगता है। इसके बाद वो सारे पन्नों को फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर पाइप में फंस जाता है, इसलिए पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ये देखकर मार्टिन पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ पड़े पेपर को डस्टबिन में डाल देता है। अब सारे सबूतों को मिटाने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और उस डिटेक्टिव से कहता है कि उसे हॉस्पिटल में जाने की देरी हो रही है, इसलिए वो आज उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। ये सुनकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मार्टिन अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा देख लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।